अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक शानदार वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसा एक रोड वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो क्लिप में खुशबू पांडे ने एक बात बोला है, एक बात कहा है, जो बात में बहुत तारीफ हो रहा है, बहुत अजीब से महसूस हो रहा है मुझे। क्या बात कहा है आप लोग वीडियो में आगे देख पाएंगे। और इस वीडियो की क्लिप के ऊपर हमारा एक यूट्यूबर भाई ने एक रोस्ट वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी तरह एक रोस्ट वीडियो बनाया है। तो आप लोग वीडियो आगे देख ही पाएंगे। और बुर्का के बारे में जो बात किया है खुशबू पांडे ने, बोला है कि मुसलमान लोगों ने जो बुर्का पहनता है तो कुछ पहचान नहीं पाता है कि वो कौन है, एक्चुअली वो कौन बंदा है उसको पहचान नहीं पाता है। और हिंदू मज़हब की जो लड़कियाँ कुछ शॉर्ट कपड़ा पहनता है तो उसको लोगों को पहचानता है, आसानी से पहचान पाता है। तो इस क्लिप के ऊपर एक भाई ने रोस्ट वीडियो बनाया है, आप लोग वीडियो आगे देख ही पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इन तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कम से कम शरीर ढका हुआ, दूसरी नंबर बात, जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना, और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। हम तुम्हें संस्कृति नहीं बता रहा है, लेकिन तुम जो संस्कृति दिखा रहे हो और बता रहे, मन तो कर रहा है एक ही रात में तुम्हारे संस्कृति में डूब के मर जाऊं। जब संस्कृति का बात कर ही रहे हो तो हमारे भी जिम्मेदारी बनता है लोगों को दिखाना कि तुम्हारे घर में कौन सा संस्कृति चल रहा है। सबसे पहले ये राउर के हटे, ये हमारे चाचा लगे। चाचा लगे तो चाचा के अपना भतार बना ले नहीं। माने प्यार है तो बना ले, ऐसे थोड़ी बना ले। चाचा से प्यार हो गई। हां मामी चाची खाला फूफी सबको। अब बोल ना तेरी हेवन का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो दोस्तों ये तो चाचा और भातीजी के चल रहा है, अब देखिए मामा को क्या पसंद है, भंजी बताएगा। दोस्तों मामा को ये चीज बहुत पसंद है। मामा अगर जो पा जाता है एक बार जरूर। मामा चाचा का बिस्तर सजाने वाली बुर्खा और संस्कृति का हमें पाठ पढ़ाएगी। अच्छा हमें संस्कृति सिखाएगा, मामा चाचा के आगे टांग उठाने वाले। फल खरीदेंगे हिंदू से, सब्जी खरीदेंगे हिंदू से, कपड़े खरीदेंगे हिंदू से, घर बनवाएंगे हिंदू से, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे हिंदू से। तू एक काम कर ले बेटा, ये भी कटवा ले। सारा सामान हिंदू से खरीदेंगे, विश्वास रखिए, एक साल में हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ एक साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे ये हिंदू राष्ट्र बनाने का मंत्र पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बनाएगा हिंदू राष्ट्र। तो देखिए गाइस हिंदू राष्ट्र बनाने की और एक तरीका। दोस्तों जरा इस गबर बात को सुनिए, फिर मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। हम लोग हिंदू हैं भाई, हम लोग क्यों मुस्लिम के कंट्री में जाकर कमाएंगे? अपना इतना प्यारा देश है हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे कमाना चाहिए, करना चाहिए, अपना से किसानी करिए, जो भी अपना यहीं पे टैलेंट दिखाइए, दूसरे देश में क्यों, क्या जरूरी। तो आप जरा देखिए गोबर और मूत्रों का टैलेंट। इतना अच्छा खासा टैलेंट दूसरे देश में जाके दिखाने के क्या जरूरत है, हमारे देश में ही ऐसा ही टैलेंट दिखाइए और पैसा कमाइए। वाह 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 वाह, सैल्यूट है, टैलेंट है, मानना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा ही लगा होगा। दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम।